शासकीय क्षण पर प्रखंड मुख्यालय के पंचायत सरकार भवन में मुखिया संघ की बैठक आवश्यक क्षण मुखिया नईमुद्दीन कटहरा कदमपुरा की अध्यक्षता में की गई, जिसमें प्रखंड स्तर के सभी मुखिया बैठक में उपस्थित हुए। कटहरा कदमपुरा मुखिया नईमुद्दीन की अध्यक्षता में मुखिया संघ बैठक में बताया गया, पंचायत संख्या एक में सर्व समिति से मुखिया संघ की ओर से निर्णय लिया गया कि आए दिन जीविका द्वारा सभी मुखिया को बदनाम करने की साजिश अखबार में गलत बयानबाजी दी जा रही है। साथ ही सभी मुखिया के आनन फानन में निंदनीय बयान की प्रशंसा करते सुपौल मुखिया प्रखंड अगर किसी प्रकार जीविका के प्रति बयान दिया तो उस प्रखंड अथवा पंचायत को दर्शाए। अगर सभी मुखिया को बदनाम करने की कोशिश की गई तो किशनपुर प्रखंड मुखिया संघ की ओर से जीविका को पदाधिकारी पर हमारी स्थानीय थाना में मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। देखिए सर, मुखिया संघ की जो ये बैठक हुई है, इस बैठक का मुख्य मुद्दा है कि आए दिन मुखिया को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। साजिश यह है कि सरकार के द्वारा जीविका से मास्क खरीदने की बात कही गई थी। हम मुखिया संघ किशनपुर प्रखंड सभी पंचायत के मुखिया जीविका से प्राथमिकता आधार पर हम लोगों ने मास्क का क्रय किया, खरीद की। हमारी कोई भी आलोचना अथवा किसी प्रकार का भर्सना नहीं है। इनके बावजूद भी सभी मुखियाओं को एक साथ आए दिन अखबार में जीविका स्टेटमेंट दी है कि जीविका का कहना है कि मुखिया कमीशन के लिए जीविका से मास्क नहीं खरीदा, जबकि मास्क जीविका से हम लोगों ने खरीदा है। स्थानीय तौर पर हमने अपने जीविका के BPM से पूछने पर बताया गया कि मास्क वितरण में हमारी प्राथमिकता किशनपुर प्रखंड के सभी मुखियाओं के द्वारा किया गया है, इसीलिए मेरा किसी प्रकार का आलोचना अथवा शिकायत नहीं है। मैं इसीलिए इस बैठक को बुलाया हूँ कि आए दिन बिहार के सभी मुखिया को मात्र बदनाम न करें। जिस पंचायत में किसी प्रकार की कमीशन की बात करे, वैसे व्यक्ति को नामित करके दर्शाए ताकि स्पष्ट हो नीति कि वह मुखिया बदनाम हो, सभी मुखिया नहीं, क्योंकि एक मुखिया के चलते सभी मुखिया को बदनाम करना जीविका की नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है। इसीलिए बैठक बुलाया। साथ साथ आए दिन इंदिरावास योजनाओं में मुखिया को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मनमानी तरीका से उनका सूची सिलेक्शन करना, जबकि पूर्ण अधिकार पंचायती राज में आम सभा और ग्राम सभा को सरकार की ओर दी गई है, लेकिन उनको नज़रअंदाज करते हुए आज प्रखंड स्तर पर सहायक मतलब जितने भी कर्मी हैं इंदिरावास के, चाहे वो इंदिरावास सहायिका हो या पर्यवेक्षक हो, अपने अपने क्षेत्र में पंचायत में बिचौलिया को बाहर कर राशि का उगाही करते हैं, जिसके चलते अनदेखी होती है कि सूची की बिना जानकारी का कोई भी मुखिया ठोस कदम उठाने के लिए चाहने के बावजूद भी मजबूर है। इसीलिए मैं सरकार को यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ, लिख के देना चाहता हूँ उस बैठक के माध्यम से कि मान सम्मान की लड़ाई में यदि पंचायती राज की असली सपना को साकार करना चाहते हैं तो अधिकार को वंचित और बंटवारा न करें। इसीलिए यह बैठक बुलाई गई है। मुख्य मुद्दा मेरा यही है, आए दिन मनरेगा में भी PO के द्वारा PRS के द्वारा सिर्फ मात्र मुखिया को दांत पर रखते हुए सभी काम को अंजाम देते हैं, जिनकी जानकारी कुछ मुखियाओं को नहीं मिलते हैं, तब मिलता है जब कार्य होती है, उनकी राशि निकासी होती है। इसीलिए सरकार पैसा देती है कार्य करने के लिए और बदनामी मुखिया अकेले होता है। इसीलिए इस पर अंकुश लगाने के लिए मैं इसको ध्यान दिलाना चाहता हूँ सरकार के वैसे कर्मी ऐसे पदाधिकारियों को, ताकि पदाधिकारी सजग हो, नहीं तो हम लोग मान हानि का मुकदमा यहाँ से लेके जहाँ तक बन पाएगा आवाज बुलंदी से उठाने का प्रयास करूँगा। प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों का बहुत ही बुरा हाल है, कहीं ठिकाने से काम नहीं हो रहा है। कोई भी सेविका सहायता ठिकाने से न मातृत्व तो और क्या सब होता है वो सब नहीं बांट रही है और न काम हो रहा है, और उसके पदाधिकारी जो LS या CDPO होती हैं उन लोगों से अगर कहा भी जाता है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, और कहीं कोई वजन नहीं दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र वाले समझते नहीं हैं कि मुखिया के नियंत्रण में है या नहीं, जबकि मेरे हर मुखिया के पंचायत के अंदर वो आंगनबाड़ी केंद्र है और मुखिया के नियंत्रण में रहना है, लेकिन वो लोग मुखिया के नियंत्रण नहीं बल्कि वो सिर्फ समझती है कि जो पदाधिकारी हैं हमारा CDPO हो या LSO उसी का हम नियंत्रण में हैं। ये बात सही नहीं है। सरकार का जो प्रावधान है, जो सरकार का ऐलान है, उसके मुताबिक मैं सरकार से कहना चाहता हूँ तो उस बात पर कुछ
पदाधिकारी मिलों का और उन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए और बच्चा लोगों के मिलकर। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।